हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं कृति धीर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों के खोलने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उनके मुताबिक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोलने का फैसला अगले महीने नवंबर में ले लिया जाएगा। स्कूलों में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। बता दें, डॉक्टर शर्मा विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार के लिए टूंडला पहुंचे थे। वहां जाने से पहले सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड 19 की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसे संबंधित विभागों को भी तैयारी कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि विभागों को क्या सावधानियां बरतनी हैं, उस बारे में भी गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि अभी केवल 15% बच्चे ही उपस्थिति दे रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सैनिटाइजिंग भी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि निजी अस्पतालों द्वारा निर्धारित से ज्यादा पैसे लेने पर उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी अस्पताल संचालकों के साथ वह बैठक करेंगे, उन्हें समझाएंगे, ना मानने पर कार्यवाही भी करेंगे और समितियों के पदाधिकारियों के साथ उनकी लगातार बैठकें हो भी रही हैं। उन्होंने सबको सचेत करते हुए ये भी कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, सभी लोगों को मास्क लगा कर रखना है और अन्य कोविड प्रोटोकॉल्स भी पालन करने हैं। धन्यवाद। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।